पापा आज तो माफ कर दो पापा। पापा एक बार ही देखो, मेरे पास देखो ना पापा, मैं आपकी कुछ नहीं लगती क्या? वेलकम बैक टू अवर चैनल टू कट्टू पेंजरो। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मासूम रजा। आज हमारे साथ है सुनीता आंटी। सुनीता आंटी का जो प्रॉब्लम है गाइज, आप लोग ने शायद लास्ट टाइम वीडियो देखा था, वही दिव्या जो मतलब 5 साल बाद अपने पापा से मिलने आए थे, उसके पापा ने माफ़ नहीं किया, ये वही दिव्या की मम्मी है। आंटी जी, आप हमारे तक कैसे पहुँचे ये बताओ पहले आप। बेटा, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी जिसमें मुझे अपनी बेटी दिखाई दी, तो फिर जो मेरी बेटी जो चली गई थी, जब मैं उसे देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे उससे मिलने का बहुत दिल है। माँ तो माँ ही होती है ना, अब बच्चे से गलती हो जाती है तो क्या हुआ, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। वो तो मुझे अच्छा आंटी जी, जैसे 5 साल पहले वो जब अपने ड्राइवर जो आपके घर के ड्राइवर थे उनके साथ वो भागी थी, तो उस समय आपको क्या मतलब, आपको ये तो ज़रूर फील हुआ होगा कि मैंने मेरे बहुत बातें मम्मी पापा सोचते हैं कि मेरे परवरिश में कमी है या क्या है नहीं है, उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था, उस वो वाली बातें बताओ पहले आप। गलती उसने की, ठीक है वो भाग गई, लेकिन अब भाग गई, लेकिन कभी कभी मन में आता है कि कभी वो अगर हमसे बात कर लेती तो हम उसे माफ़ कर देते, मतलब जो भी हम उसके वो जो भी फैसला लेती तो हम उसके साथ होते, शायद कहीं आप उनके साथ होते हम, क्योंकि अंकल जी तो है बहुत रूड है, लेकिन फिर भी जो भी अगर वो हमसे अपनी मतलब कि शेयर करती कि भाई मैं किसी को पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं इनको भी समझा देती, उसके मतलब उसके पापा को समझा देती, तो हम लोग मान लेते। बस थोड़ी सी उससे गलती हो गई कि वो हमें बिना बताए चली गई, भाग गई। बुरा तो लगेगा गाइस, एक बात बता रहा हूँ, मतलब मन की पसंद चाहे वो लुल्ला हो, बहरा हो, अंधा हो, बच्चे की खुशी के आगे माँ बाप कुछ नहीं कर पाते हैं। अंडी जी, आपके बोलने पर मैंने उन लोगों से बात किया है, वो लोग भी मिलने के लिए आपसे बेचैन है, जिस तरह से आप बेचैन हो ना, किसी तरह से उससे मिला दो हमें बस। मैं उसे इतने दिन से देखी नहीं हूँ, बस माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है ना, बस उससे एक बार मिलना चाहती। आपको तो ये भी पता है ना, आपकी एक नतनी भी है। हाँ, वो आप नानी बन चुके हो। हाँ, मैं वीडियो में देखी तो बस उसे देखे तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, बस ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जाके उसे अपने गले लगा। बस वो आने वाले हैं, हमारी बात हुई है 10 मिनट पहले। और एक बात बताओ आंटी जी, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया एक चीज़ कि हमारे पापा माने या ना माने, मम्मी मान जाएगी, मतलब आपके जब भी हस्बैंड घर गए तो वो नहीं बताए थे कि आज मैंने अपनी बेटी से मिला या कुछ ऐसा बताए थे? हाँ, थोड़ा तो बताए थे कि मैं बेटी से मिला, लेकिन वो मुझे वो बोल रही थी कि मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन वो माने नहीं। मुझे पता है कि वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनको बहुत सदमा लगा। वो नहीं मानेंगे, आप मान गए ना। हाँ, लेकिन तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा असरा है, कुछ समझौता हो सकता है। आपके बोलने पर मैंने उससे बात पूछ लेता हूँ, वो लोग कहाँ पहुँचे हैं एक बार मैं पता करता हूँ। जल्दी से करो, जल्दी से, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे घर लेके जाना है। हेलो। हाँ लकी भाई, कहाँ पहुँचे हो भाई? हाँ जी सर, रस्ते में हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। सर थोड़ा जल्दी करो, आपकी सासू माँ यहीं पे है। हाँ जी सर, आ गया हूँ सर, निकल गया हूँ सर, रस्ते में आ रहा हूँ। वो लोग आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ आसपास में ही रहते हैं वो, 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। आप एक चीज़ बताओ आंटी जी, आपके जितना आप बेचैन हो ना, हम भी बेचैन हैं। आप ये बताओ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे कि आपका जो 5 साल पहले जो मतलब जो भी सिचुएशन था, मैं जानता हूँ बहुत गंदा सिचुएशन होगा उस टाइम, मतलब मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि चलो उसको माफ़ कर देते हैं? आपके मन में ऐसे कैसे आया, मतलब होता है ना बहुत लोग माफ़ नहीं करते हैं। समझ सकते हो, माँ हो, मैं तो माँ हूँ ना, एक बेटी की माँ हूँ, मेरी बस एक ही बच्चा है हमारा, और तो हमारा बच्चा भी नहीं है, बस एक ही मेरी बेटी है। अब उससे दूर कैसे रहूँ, माँ हूँ भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि माँ बच्चे से दूर रहे। कितने दिन माँ गुस्सा रह सकती है,
एक दिन दो दिन। आप माफ़ कर दिए, चलिए आपका दिल बहुत बड़ा है, माफ़ करना बहुत लोगों से होता नहीं है। एक बात बताओ, मैं जहाँ तक मुझे पता है ये सब करना बहुत गलत बात है, आप कुछ बोलना चाहोगे हमारे यंगस्टर जो भी हैं इस दौर से गुजर रहे हैं? हाँ। शायद उन लोग के आने के बाद हमें मौका ना मिले बोलने का, आप अगर कुछ है आपके मन में तो बोल सकते हो। हाँ, बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि माँ बाप होते हैं, बच्चे ऐसी गलती कभी ना करें कि भाग के शादी कर ले। हाँ, अगर वो उन्हें अगर कोई पसंद आता है तो वो अपने माँ बाप को बताएं ना, माँ बाप थोड़े देर के लिए गुस्सा करेंगे लेकिन वो उनके बच्चों के लिए जो अच्छा होगा वही करेंगे। अगर उनकी पसंद कोई अगर बच्चा अगर किसी और को पसंद करता अगर है, आप किसी को भी पसंद करते हो अपने तो, फैमिली से बताओ, बताओ। मैम किसी से बताओ, शायद हो सके कुछ बात बन सके, बस यही बात है। चलो कोई नहीं आंटी जी, माँ बाप इतनी मुश्किल से बच्चे को मतलब हाँ। कि बड़ा करते हैं तो बच्चों को भी थोड़ा समझना चाहिए, बच्चे को भी उम्मीद है बच्चे के ऊपर, तो बच्चे माँ बाप की इज्जत की कदर करनी चाहिए। कोई बात नहीं आंटी जी, आप वो लोग आ ही रहे होंगे, आप चले जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? आप आ जाना, हम बुला लेंगे आपको, ठीक है? गाइज आप लोग वीडियो में बने रहो, क्या होगा आगे सब कुछ हम दिखाएंगे। बैठो बैठो, तो दो मिनट। मम्मी कहाँ है? आंटी जी तुम्हारी खुशी में यहाँ, तुम खुश हो तो मेरे पापा मान जाएंगे ना, मान जाएंगे। माफ कर दो मुझे। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, कोई बात नहीं, बस मेरी बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है, बस उसे खुश रहना, जिंदगी भर उसे कोई भी दुख होने मत देना, उसकी सब इच्छा उसकी सब ख्वाहिश पूरा करना, उसके तो तुम कर रही रह रहे हो लेकिन आगे भी करते रहो। मम्मी गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगर खुश हो तो वो तुम्हारी गलती है। मैंने दिल से माफ कर दिया ना, तुम्हें दिल से ही माफ कर दिया मैडम। मैं पापा से बात करती हूँ, पापा को बुलाती हूँ, पापा को मैं मना लूंगी, इसकी चिंता मत कर, मैं अभी बात करती हूँ उनसे। हेलो, हाँ जी बोलो, आप एक बार यहाँ आ जाइए। क्या आप क्या काम पड़ गया आपको? एक बार तो आ जाइए, हमारी बेटी आई है, हमारी बेटी से मिल लीजिए। तो आप उन्होंने आपको हथियार बना दिया? नहीं नहीं, हथियार की क्या बात है, आ जाइए, बेटी तो हमारी है ना, उसे माफ़ कर दीजिए, एक बार आ जाइए, एक बार उससे बात कर लीजिए, एक बार मिल लीजिए उससे, मैं तो उसके पास बैठी हूँ, आ जाइए। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आ सकता हूँ, बस थोड़ा सा ही टाइम चाहिए, बस थोड़ा सा टाइम हमें दे दीजिए, आ जाइए।
ये 10 मिनट लूंगा सर, इससे ज्यादा नहीं दे सकता मैं आपको। ठीक है ठीक है, दस वो भी आपके कहने पे मैं आ रहा हूँ, अदरवाइज मैं आता नहीं, क्योंकि पहले भी वो आके गिड़गिड़ा मेरी इज्जत का, तो उसने तमाशा बनाया था बनाया, तब आपको भी इसमें डर भी कर दिया। चलो ठीक है मैं आता हूँ। हाँ हाँ, बस आ जाइए, बस एक बार आ जाइए बस। आ रहे चिंता मत करो, मान जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो, मैं मना लूंगी, फिर हम लोग सब साथ में रहेंगे, मिल के रहेंगे घर पे। ठीक अंकल आ गए, मान जाएंगे कोई टेंशन मत करो, मैं मना लूंगी, तुम्हारे पापा ही है ना, तुम्हें तो पता है कि बस थोड़ी देर के लिए गुस्सा करते हैं फिर मान जाते हैं। बैठिए देखिए, तुम्हें हमारी बेटी आई हुई है, पापा आज तो माफ कर दो पापा। नहीं, मैंने पहले भी बोला है इसको कि मैं माफ नहीं करूंगा, इन्होंने जिस हिसाब से मेरी इज्जत उछाली है। बाबा प्लीज, बाबा तो रोते रहते हो बेटी को याद करके, क्यों झूठा गुस्सा कर रहे हो? अब जब बेटी आई है तो झूठा गुस्सा। पापा एक बार मेरी तरफ देखो, पापा इधर देखो। मेरे हाल पे छोड़ दो, पापा इधर देखो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, हमारे साथ रहेगी। पापा एक बार देखो, बस देखो ना पापा, मैं आपकी कुछ नहीं लगती क्या? क्या करूं पापा, माफ नहीं कर सकते आप मुझे? पापा प्लीज, देख लो आप, ये भी तो है ना आपकी, ये हमारा तो कौन है, हमारे साथ रहेगी, हमारी बच्ची है, हमारे देखो पापा, वो भी रो रही है आपके लिए। मेरे को ये खुद बताओ कि इसने जो काम किया है, नहीं है पापा, नहीं है, गलती के मामला एक नहीं है पापा प्लीज। रोता हूँ अपनी किस्मत को। अच्छा, बेटी का प्यार है वो, ठीक है, बोल रहे हो ना, रोता हूँ किस्मत पे, क्या फायदा झूठी जान लेके, क्या फायदा झूठी हाल का है ये बताना। इज्जत गई है मुझे पता है, आपकी इज्जत गई, वो मैं नहीं लौटा सकता हूँ, लेकिन बेटी तो आ ही नहीं सकती। बेटी आ गई ना, फैमिली से बढ़ के क्या होता है, खुशी हो गई। पापा पापा पापा, मैं पापा प्लीज, पापा बच्चे को नहीं अभी अपना बात खत्म करो, यहीं पे एंड करो। पापा प्लीज माफ कर, पापा ये देख रो, पापा तुम्हारे इसकी क्या गलती है बच्चे की? बच्चे की तो कोई गलती, नाना नानी से मत दूर करो प्लीज, माफ कर दो, इसे भी माफ कर, पापा कोई गलती नहीं करेंगे आज के बाद। किसी ने तो नसूर दिए हैं सारे मेरे को, आपके और कौन है? नहीं, आप जीवन में पूरी अकेला रहना चाहते हो, आपका बेटा है, बेटा के जैसा है ना आखिर, बस हमारी बेटी की खुशी आपका यही सहारा बनेगा बुढ़ापे में, ठीक है, दूसरा कोई नहीं आने वाला। अंकल जी प्लीज, आप माफ, पापा गलती है पापा प्लीज माफ कर दो इसके लिए, माफ, पापा बहुत याद आती है आपकी, पापा मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना, पापा माफ कर दो पापा। पापा प्लीज पापा बोल दो, प्लीज बोल दो एक बार, माफ कर दो पापा, माफ कर दो। पापा सब कुछ ठीक हो जाएगा, पापा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तुम्हारी वजह से आपने सीने पे पत्थर रख लूंगा, लेकिन तुम्हारे को जाओ माफ, पापा बच्ची की खातिर तुमको माफ किया मैंने, पापा प्लीज पापा, किसको माफ करोगे, तो मैं भी नहीं पाऊंगी आपके साथ। चलो ठीक है, तुम्हारी खातिर मुझे ये भी मंजूर है, मैं तुम तीनों को माफ कर। थैंक यू, आपने बहुत हेल्प करी मेरी।
तुम्हारा बाप असली यहीं पे है। अभी बताया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत हेल्प करी, आपके बिना मुझे मेरे पापा नहीं मिल पाते। ठीक हो ना? अब नाना के पास ठीक है? नानू के पास रहेगी गुड्डी मेरी। मेरे पास ही रहेगी, मेरे पास ही रहेगी। हमारे साथ हमारी हमारा अब हमें किसी नहीं रोना, नहीं रोना, नहीं बिल्कुल नहीं रोना।